समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 2 बजे, और इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही क्योंकि घर में सारे लोग सो रहे और मैं चुपके से अपने रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। गेट पर सारा कुछ बंद है लेकिन, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी के फ्रेशो कमाल के एपिसोड में। गाइस, जो आज का एपिसोड होने वाला बहुत ही कमाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर गाइस, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि देखो भाई, एप्पल को कौन नहीं जानता। आज वर्ल्ड की टॉप 1 कंपनीज में आती, मतलब टॉप पे तो है ही एप्पल। हर किसी बंदे को तो एप्पल का फ़ोन चाहिए ही, मतलब आईफोन तो चाहिए होता है। ठीक है, तो एप्पल हर बार एक ही फ़ोन को अलग अलग नाम देकर हमें लूटते हुए आया है। तो पहली बार एप्पल ने एक बजट आईफोन निकाला है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, बजट आईफोन लेकर आया है, जो कि होने वाला आईफोन 9 और आईफोन 9 प्लस। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो आप यहाँ पर जो भी सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, और लेट्स इंट्रोड्यूस पाओ सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए गाइस, ऐसे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखो, इस आईफोन 9 और 9 प्लस में आप लोग को मिलेगी, आईफोन 9 में मिलेगी 4.47 की डिस्प्ले और आईफोन 9 प्लस में मिलेगी 5.47 की डिस्प्ले। और डिस्प्ले होने वाली फुल HD विद फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि फ्रंट में एप्पल का जानते हो ना, ऐसे वाला, हाँ वही वाला सेंसर आप लोग को मिलने वाला, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। होने वाला एकदम बिल्कुल बजट फ़ोन होने वाला है। और इस होप सो गाइस, आप लोग को इसका अनबॉक्सिंग भी देखने को मिल जाएगा चैनल पे। अगर जब भी पहले तो ये लॉन्च होने वाला था 31 मार्च को, लेकिन ड्यू टू COVID-19 ये जो डिले हो गया, अभी ये हो रहा 15 अप्रैल को ही लॉन्च होने वाला है। और बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है आईफोन का तो आप लोग जानते हैं, परफॉर्मेंस एकदम भाई साहब मक्खन चलती है। और आईफोन बजट आईफोन भाई साहब, सोचो बजट पहली बार एप्पल ने हम गरीबों के बारे में भी सोचा है। तो आज के लिए दही तक ले, जय हिंद, वंदे मातरम।